चैप्टर शासन और इमारतें, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। सो पहला प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूप से समकालिक समय की देन थी और किन रूपों में से ये एक दूसरे से भिन्न थी। तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया तो वहाँ से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया, जबकि महमूद गजनवी ने जो भारत से धन प्राप्त किया उसने अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया। दोनों में कई रूपों में भिन्नता थी। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया। महमूद गजनवी भारत से धन लूटकर गजनी ले गया, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने जो दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया उसे अपने राज्य में ही रहने दिया। दूसरा प्रश्न पूछता है कि वास्तुकला की गौथिक शैली के बारे में व्याख्या करो। तो 12वीं शताब्दी के समय में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चे के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषता नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण, आदि उथले हुए पुस्ते, दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े। इस वास्तुकला शैली में सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में बाद इसका निर्माण हुआ था। अब हम आ गए हैं प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न। पहला पूछता है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। तो अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण और चापाकार में अंतर बताना है। तो अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण क्या था? 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में से अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ भी दो ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाए जाते थे। चापाकार सिद्धांत, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अभिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल लिया जाता था और यह वास्तुकला का चापाकार रूप था। शिखर से क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न, तो मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है मंदिर का शिखर कहलाता है। पितरादूरा क्या है? तीसरा प्रश्न, तो पितरादूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पितरादूरा कहलाते हैं। मुगल चारबाग की क्या विशेषताएं हैं? तो मुगल चारबाग की विशेषताएं, पहला, ये चार समान हिस्सों में बटे होते थे, ये दीवार से घिरे हुए होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार स्थिति में होते थे। पांचवा प्रश्न है कि किसी मंदिर में एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती है? तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत में प्राचीन मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजेयों ने अपनी देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के अन्य देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासकों तथा सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपनी देवताओं की उपासना करते थे। छठवां, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया कि अगर पृथ्वी में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। इसकी धारणा कैसे बनी? तो उत्तर, शाहजहां की पत्नी मुमताज की 1631 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 ईस्वी में यमुना के समीप लाल किला का निर्माण कराया। लाल किला के अंदर बनाए गए दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है। इसमें कई तरह की नक्काशियाँ बनाई गई। इसकी सुंदरता को देखते हुए दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया कि अगर पृथ्वी पर कई स्वर्ग है तो वह यही है। सातवां प्रश्न कहता है, मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह इससे धनी, निर्धन, कमजोर सभी वर्गों को समान न्याय मिलेगा? तो मुगल दरबार में भिन्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन। तो पहला, बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई जाती थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता अफेयर्स को मीडा बजाते हुए चित्रित किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अफेयर्स का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत करता है, फिर शांतिपूर्वक तरीके से साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सर्वाधिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे नीचे सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। प्रश्न नंबर 8वां कहता है कि शाहजहानाबाद के नए शहर मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? तो यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था। यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्रायः समतल था और दिल्ली में शाहजहानाबाद
में उसने जो नया शहर निर्मित कराया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों पर निर्माण करवाते थे। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किरमानों में अधिक भिन्न थे। अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले पर निर्मित थे। किलों को सुरक्षित रखने के लिए किलों के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे। उनके आवास ऊंचे स्तर पर बनाए जाते थे। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। शेष स्वयं छात्र करेंगे और हमारा चैप्टर रूरल्स एंड बिल्डिंग शासकीय इमारतें समाप्त हो जाता है।